चुनाव की तारीख नजदीक आते आते यूपी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ गठबंधन को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ पार्टी टूटने की स्थिति यहां पर हम देख रहे हैं, परिवार बंटता हुआ माहौल देख रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों के बीच में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या सभी कुछ ठीक है? क्या अपना दल की मांगों को बीजेपी ने मान लिया है? अब तक तो अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, वो बार बार कह रही हैं, ताल ठोक के कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एक साथ है। अभी भी एनडीए का अपना दल हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है या जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं, अपर्णा यादव से सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे सवाल किए जा रहे हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि तालमेल बीजेपी और अपना दल के बीच अब तक कुछ ठीक ठाक नहीं बैठा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, ये तीनों एनडीए का हिस्सा है और चुनावी मैदान यूपी में जो है एक साथ उतरी है। अभी फिलहाल बीजेपी से हटकर निषाद पार्टी और अपना दल दोनों ये दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार ही सत्ता में आएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने कुछ शर्तें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखी हैं। पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और अनुप्रिया पटेल की शर्तों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सहमति निकल कर सामने नहीं आई है। अब वो शर्तें क्या है, आपको बताएंगे। अनुप्रिया पटेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां वो यूपी की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहती है आपको सुनाएंगे, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का बड़ा बयान सामने आ गया है। आशीष पटेल का कहना है, हमारा फोकस बीजेपी के साथ बातचीत के दौरान जीतने लायक सीटें हासिल करने पर है। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करके पार्टी को क्षेत्रीय दल की मान्यता दिलाई जाए। इसके लिए अपना दल को कम से कम 6% वैध मत हासिल करने होंगे और कम से कम 2 विधानसभा सीट जीतने की जरूरत होगी। आशीष पटेल ने कहा, हमारा पूरा ध्यान सीटें योग्य जीतने वाली पर है, ये हमारी प्राथमिकता है। आपको बता दें, एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कलह के दावे लगातार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से कुछ ज्यादा सीटें मांगना चाहती है, लेकिन बीजेपी उतनी सीटें अपना दल को देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ अपना दल की ओर से अनुप्रिया पटेल झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गठबंधन में सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले संभवतः आखिरी बातचीत बहुत जल्द होने की उम्मीद है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी कम से कम उन सीटों पर टिकटों की मांग कर रही है जिन पर वो बीते विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है। अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में है, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी को 36 सीटों की सूची अपना दल दे चुकी है। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में 11 सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने चुनाव लड़ा, 9 पर जीत हासिल की। इस बार अनुप्रिया पटेल की पार्टी 26 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन ये 26 सीटें अपना दल को देने के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने हामी नहीं भरी है। बनते बिगड़ते समीकरण के बीच अनुप्रिया पटेल की ये मांग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी दल हैं जिनके नेता ये कह रहे हैं कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगी। जब अनुप्रिया पटेल तक ये खबर पहुंची, उन्होंने चुनाव के दरमियान बीजेपी से अलग होने की खबरों को पूरी तरह से अफवाह करार कर दिया। अपना दल ने कह दिया है कि अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ने वाला है, बीजेपी के साथ ही यहां पर चुनाव लड़ते हुए अपना दल नजर आएंगे, एनडीए का वो हिस्सा है। लेकिन अब उनकी 36 सीटों की मांग के सामने भारतीय जनता पार्टी झुकती है या नहीं, आगे आने वाले वक्त में देखना होगा।